हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, जो आयुर्वेदा सेंटर्स हैं 37 कंटोनमेंट हॉस्पिटल्स, ये खुलने वाले हैं अक्रॉस द कंट्री के अंदर। अब ये कंटोनमेंट हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 37 मिलिट्री हॉस्पिटल खुलेंगे, जहाँ पर आपको आयुर्वेद का उपचार मिलेगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ये सदी आयुर्वेद की है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास और इतना सपोर्ट करने के लिए आयुर्वेद को, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत की सरकार को, आयुष मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को भी मैं आभार देना चाहूँगा कि वो नए नए इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं आयुर्वेद के अंदर। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि ये चीज़ें होने से अब क्या नई चीज़ें निकल कर आएंगी, ये सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, पहल, रक्षा मंत्रालय ने कहा देश के 37 छावनी अस्पतालों में 1 मई से शुरू होंगे आयुर्वेदिक क्लिनिक। तो रक्षा मंत्रालय में भी अब आयुर्वेद पहुँच गया है, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है, अगर रक्षा मंत्रालय में आयुर्वेद पहुँच गया है तो यहाँ पर पोस्ट निकलेगी, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, वो भी बढ़ जाएंगी इसी चीज़ को लेकर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक अलग तरीके से पूरा आर्टिकल निकाला है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो, 37 कंटोनमेंट हॉस्पिटल टू स्टार्ट आयुर्वेद क्लिनिक फ्रॉम 1 मई 2022। तो 1 मई 2022 से जो ये आयुर्वेदा क्लिनिक्स हैं, ये मिलिट्री हॉस्पिटल्स में चालू हो जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो डिसीजन है वो लिया गया था रिसेंट हाई लेवल मीटिंग हेल्ड बिटवीन द डिफेंस सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फिर उसके बाद में, द मूव विल बी मेक अवेलेबल बेस्ट वेल एस्टेब्लिश एंड टाइम टेस्टेड थेरेपीज ऑफ आयुर्वेदा टू द रेसिडेंट ऑफ कॉन्टोमेंट्स इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, देयर फैमिलीज एंड सिविलियंस अवेलिंग हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम दिस हॉस्पिटल्स। तो ये हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमारे भारत के सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका इलाज किया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ का इलाज किया जाएगा, और जो सिविलियंस हैं उनका भी इलाज किया जाएगा इसके अंदर। टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज प्रोवाइडिंग स्किल्ड आयुष डॉक्टर्स एंड फार्मेसिस्ट टू दिस 37 मिलिट्री हॉस्पिटल्स। इट ऑल्सो बी डिसाइडेड दैट ऑफिशियल्स ऑफ DGDE, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वुड वर्क इन क्लोज कोलेब्रेशन टू मेक दिस 37 आयुर्वेदा सेंटर्स फंक्शनल। तो यहाँ पर यह कहा गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो प्रोवाइड करेगा आयुष डॉक्टर्स को और फार्मासिस्ट को इन 37 मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर यह कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो ये 37 आयुर्वेदा सेंटर्स हैं वो जल्दी से जल्दी फंक्शनल हो जाएँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट दी गई है मिलिट्री हॉस्पिटल्स की, जो कि हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ 37 मिलिट्री हॉस्पिटल्स टू ऑथराइज्ड आयुर्वेदा सेंटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आगरा, अलाहाबाद, बरेली, देहरादून, इस तरीके के 37 सेंटर्स हैं, जबलपुर, उसके बाद में अहमदाबाद हो गया, इस तरीके के टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जितने भी हैं, जम्मू कश्मीर, सारी जगह, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर लिया है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में लिया है, जैसे कि झांसी हो गया। फिर उसके बाद में रानीखेत देख सकते हो आप, यहाँ पर मथुरा, वेलिंगटन, इस तरीके के, अमृतसर, इस तरीके के लगभग टोटल 37 आयुर्वेदा सेंटर्स हैं जो कि खुलने वाले हैं। आप वीडियो में पॉज कर कर देख लेना, क्या आपकी सिटी के अंदर भी खुल रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल। तो गाइस, इससे जो आयुष स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? अब जो आयुष स्टूडेंट्स हैं, आप देखते जा रहे हो हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ आयुर्वेद के अंदर होता जा रहा है। पहले आपको पता है, जो WHO है, उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का ग्लोबल सेंटर बनाया इंडिया के अंदर, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अब इंडिया के अंदर आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हो, जो पे स्केल था, जो हाई कोर्ट थी उत्तराखंड की, उन्होंने वो बराबर किया। उसके बाद में आप ये तीसरी न्यूज़ देख सकते हो, लगभग कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें हुई है, 15 से 20 दिन के अंदर हुई है। तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आ रही है आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए, आयुष स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस, पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता था कि जो आयुष स्टूडेंट्स हैं वो आयुर्वेदा तो कर लेते हैं, होम्योपैथी कर लेते हैं, लेकिन जो वैकेंसी रहती है वो नहीं मिल पाती उनको। तो अब जो सरकार है वो भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है,
और वैकेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रही है। तो गाइज आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना है, जितने भी ईयर्स आपके बचे हुए हैं उसके बाद में आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक आप निकलोगे पास आउट करके तब तक ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो चुकी होंगी। और गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।